To the row now over freedom fighter Bhagat Singh's martyrdom, Prime Minister Manmohan Singh yesterday was forced to react to a media report concerning Bhagat Singh's absence from the government records as a declared martyr. The Prime Minister asserted that the freedom fighter needed no official record to prove his martyrdom and even called that controversy over this being hurtful to the nation. The comment comes after the Home Ministry's reply to an RTI application where it admitted having no official record of Bhagat Singh being declared a martyr. And this is what the Prime Minister said, and I quote now, that Shaheed Bhagat Singh was a martyr in the supreme national cause of independence is a fact. It is not dependent on the presumed presence or absence of official records. His role in our freedom struggle is an inalienable part of the discourse of our independence. He is part of our proud national legacy, unquote. That brings us to that big question, does Bhagat Singh's martyrdom really depend on any official records? For more on that, we are now being joined by Priyanka Dubey. Priyanka, in a short while, I believe you have with you the great-grandnephew of Bhagat Singh. We'd like to ask by saying, what is his opinion? Does it sadden him that there is no official record of Bhagat Singh? Olivia, I'll toss straight across to Yadavendra Singh ji, who is the grandson of Shaheed Bhagat Singh. Yadavendra ji, Home Ministry ka ye jawab aaya jab RTI ke reply mein ki koi aisa record nahi hai jo prove kare ki Shaheed Bhagat Singh ji Rajbir aur Sadguru martyr the. Aapka reaction is pe? Jaise hi Home Ministry ka reply aaya to isme bahut dukh hua mujhe कि अगर हिंदुस्तान में शहीद भगत सिंह जी या राजगुरु जी, सुखदेव जी, जो ये हमारे तीन महान क्रांतिकारी हैं, अगर ये लोग ही शहीद नहीं है तो फिर हिंदुस्तान में शहीद है कौन? क्योंकि देखिए, अगर एक इंसान से हम पूछते हैं उसकी सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो कोई कहेगा रुपया, कोई कहेगा ज़मीन जायदाद, पर एक इंसान की सबसे कीमती चीज़ अगर हम वैसे देखें तो होती है जान, जो कोई इतनी आसानी से किसी के लिए नहीं देता। इन तीन महान क्रांतिकारियों ने वो कुर्बान कर दी मेरे लिए, आपके लिए, सुनहरे भारत के लिए। तो इस तरह का जवाब आना बहुत बुरा लगा, क्योंकि देखिए, ये RTI जो है कोई ब्रिटिशर्स को नहीं लगाई गई थी, ये भारत सरकार को लगाई गई थी। तो बहुत बुरा लगा कि इस तरह का जवाब हमारी होम मिनिस्ट्री से आया कि भाई वो इस तरह कोई दस्तावेज नहीं है उनके पास या कागज नहीं है कि ये तीनों महान क्रांतिकारी हमारे देश के शहीद हैं या नहीं है। तो बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा इस बात पे। और आपका दूसरा सवाल ये था कि इस बारे में किया क्या जा रहा है? हाँ, क्या ऐसी कोई ऐसा कोई तरीका है जिससे इन्हें मार्टिर डिक्लेयर किया जाए? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर रही है? उसका भी जवाब जो है वो आपकी तरफ से काफी नेगेटिव आया है। बिल्कुल मैम, आपने ठीक कहा। और सेकंड क्वेश्चन उसमें यही किया गया था RTI में कि अगर नहीं दिया गया तो इसके लिए भारत सरकार आगे क्या कर रही है, तो उसका जवाब भी उनके पास यही था कि इस तरह की कोई हम कोई शुरुआत नहीं कर रहे हैं या इस तरह का कोई अभी कुछ काम नहीं किया जा रहा है इस संबंध में। तो और बुरा लगा, और तो बहुत निराशा होती है इस चीजों से जैसे अगर नहीं किया जाता। क्योंकि लेकिन पर यादवेंद्र जी, कल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो उन्होंने बात कही है, जो आप कह रहे हैं कि थोड़ी निराशा हुई, क्या प्राइम मिनिस्टर की बात से थोड़ी आशा बंधी उनका ये कहना कि शहीद भगत सिंह इस दर्जे के व्यक्ति हैं कि उन्हें किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है हमें ये जानने के लिए कि वो एक शहीद थे, तो क्या थोड़ी आशा बनती है इस बात से? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कल बयान आया है उसको मैं हमारा भगत सिंह फैमिली या जो और फ्रीडम फाइटर फैमिली है कि उसको पॉजिटिव स्टेप की तरफ देखते हैं। उन्होंने एक पहल करी है, अपना जैसे गृह मंत्रालय का जो एक गैर जिम्मेदाराना बयान था या रिप्लाई था उस पर जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, तो एक पॉजिटिव स्टेप है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये अभी उनका प्रधानमंत्री जी का एक पहला कदम है। तो अब जैसे पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो इसमें मैं उनसे मांग करूंगा अपनी इस स्टेटमेंट पे वो कायम रहे कि पार्लियामेंट के सदर पे वो लाए एक नियम कानून ला सकते हैं, और इसमें मात्र सिर्फ, क्योंकि सेशन अभी ऑन गोइंग है, इसमें सिर्फ मात्र पांच मिनट का समय लगना है इसमें एक प्रस्ताव पास करने में भी कि कौन कौन से हमारे जो महान क्रांतिकारी या बलिदानी थे आजादी के आंदोलन में जिन्होंने कुर्बानी दी थी, तो वो उनके लिए क्या उनके आगे शहीद का टाइटल लगाया जाए या इस तरह की सूची बनाई जाए कि उनको ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर भी एक मार्टर कहा जाए। क्योंकि देखिए, आज तो मैं हूँ, कल को यादवेंद्र जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पूरा देश जानता है, देश के बाहर भी पूरी दुनिया जानती है कि शहीद भगत सिंह जी हमारे देश के लिए क्या अहमियत रखते थे, और भी जितने भी महान क्रांतिकारी हैं उन सबके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो क्रांतिकारी थे। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आज के जमाने में, आज की रेट में एक ऐसी ऑफिशियल स्टैम्प इस बात पे लगना जरूरी है? क्यों ऐसा लगा कि ये बात जरूरी है?
बहुत अच्छा आपने इसमें सवाल किया है मैम। इसका मैं बताना चाहता हूँ कि मांग क्यों है। देखिए, जैसे आपने बताया उनका जो बलिदान है उसके लिए हमें किसी का एग्जाम्पल या कोई उस तरह की कोई हमें कोई भी कोई दस्तावेज या कोई एक सिंबल नहीं चाहिए। पर जैसा मैं बोलना चाह रहा था कि आज तो हमें पता है, आपको पता है, मुझे पता है, पर आज से 25 साल बाद जो हमारी जो बच्चे पैदा होंगे, जो 25 या 30 साल के होंगे, 30 साल बाद उनको कैसे पता चलेगा? शहीद आजम और उनके क्रांतिकारी साथियों के बलिदान को हम जबान से जानते हैं, दिल में हमारे लिए उनकी कुर्बानियां बसी हुई हैं सारे देशवासियों के लिए, पर एक रिकॉर्ड में क्या है, भारतीय दस्तावेजों में क्या लिखा गया है? 60 साल से ज्यादा हमारी आजादी को हो गए, मान सकता हूं कि नहीं किया गया होगा, पर अब उनके पास मौका है इसको ठीक करें ताकि एक ऑन रिकॉर्ड बनाया जा सके, एक दस्तावेज बनाया जा सके भी ये हमारे मान शहीद हुए थे जिनकी वजह से हमें आजादी मिली थी और हमारी आजादी की क्या अहमियत है उससे पता चलता है। तो ये है। So clearly what Yadavendra Singh ji says that it's not about just an official stamp for today, it's about the future generations to come. What is the guarantee that they will know that Shahid Bhagat Singh and many other freedom fighters actually fought for the nation and did what they did? So an official stamp is going to ensure that their names are written in India's history forever. Priyanka Dubey, thank you so much for getting us that interview. What do you have to say about this? You can post your comments on our website, ibnlive.com.